पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उपचुनाव में 20 से 22 सीट जीतने के दावे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले जब ऐसे दावे करें तो हंसी के अलावा क्या आ सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां उपचुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के दावे कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में 20 से 22 सीटें जीतेगी, ये अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के इस बयान को गालिब का ख्याल बताया है। शिवराज ने शायराना अंदाज में कहा कि दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा क्या आ सकता है। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा क्या आ सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।